Good evening. How are you, lovely children? Very warm good evening. Good to see you all. And lovely evening. Once again, we are meeting for the third time today in such a short span of time. Yes? Where are you, ma'am? What's up? Everything is fine. I'm somewhere lost in paradise. Good evening. Good evening. कैसे हो? How are you doing? चुनो मुनोस? एकदम बढ़िया? Good evening. शुरू करें. Easy है chapter. आपने पढ़ रखा होगा शायद अपने schools में. But कुछ बीच में ऐसी चीजें हैं जहाँ से questions बन के आते हैं. Be it theory exam questions और MCQs. और उन्हीं चीजों पे आज हम थोड़ा सा ज़्यादा focus करने वाले हैं. थैंक यू फ्यूचर टुडे. मेरी ब्यूटी पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो तो थोड़ा सा आपका एग्जाम में भला हो जाएगा. यस, तीन बार पढ़ लिया, चलो फटाफट फिर तो स्पीड उठा सकते हैं. दो तीन बार पढ़ लिया होगा मेरे बच्चों ने तो पढ़ते. एंड गाइस, गेट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम. माय अकाउंट इज वानीसूत फोबेनांतु. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज, you want me to see your time table, you just basically want to get in touch with me and have me solve any of your academic problems, you can get in touch with me. NEET biology ke liye meri book available hai, which is an Amazon bestseller. Go get this book. How many of you have been solving this book? Yes? Done? How many of you have been solving this book? बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी 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 कि कितने बच्चों ने ये book एकदम फटाफट से solve कर लिया. Write a you on the chat section. And guys, ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि इस book में सारे NCERT के questions हैं. तो आपको घर जाना है, मेरी class के बाद एक बार सिर्फ अपनी NCERT पढ़नी है. That's all. Is that clear? एक बार घर जाकर सिर्फ और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी NCERT पढ़नी है. और जैसे ही आपकी NCERT एक बार पढ़कर हो जाए, सॉल्व दैट बुक. अगर आपने आज 7 o'clock की क्लास देखी होगी तो आपने रियलाइज किया होगा कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है बेटा, कैसे कैसे चैप्टर्स आते हैं. राइट, चले फिर, कैन बी स्टार्ट. सो गो गेट दिस. एंड गाइज, प्लीज मेक श्योर दैट आप इस फैमिली का पार्ट बन जाओ. इस फैमिली का नाम है वेदांतु बायोटॉनिक फैमिली. सो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, बिकॉज वी आर रियली देयर टू हेल्प यू अचीव ऑल योर टारगेट्स एंड अचीव ऑल योर ड्रीम्स एंड टू मेक श्योर दैट यू बिकम अ डॉक्टर. यस, ओके, चले फिर. ओके, सो कैन आई सी ऑल माई चुनु मुनु गैंगस्टर्स? यस. गुड इवनिंग. चलिए, तो एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है. लेट अस स्टार्ट विद दिस. सी, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्यों पड़ी? वहीं तो सब जमा सकते हैं, बट हम जो भी घर पे करते हैं, अगर बाय चांस हमारे पास इतनी टेक्निक भी आ जाती कि हम वैक्सीन्स भी घर पे बना सकते, बट टेल मी बेटा, वो तो मैं आज धीरे बोल रही हूँ तो इसलिए आवाज़ कम है, वॉइस लो नहीं है. कार्तिक, अपने ईयरफोन्स के स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा दो. सो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत इसीलिए पड़ी बिकॉज हमें जो भी प्रोड्यूस करना था, वी हैड टू प्रोड्यूस इट इन वेरी हाई क्वांटिटी, व्हिच इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल स्केल. राइट है यू ऑन द चैट सेक्शन. बहुत हाई मात्रा में कुछ प्रोड्यूस करना है. इज दैट क्लियर? नमस्ते पवन. सो वी हैड टू प्रोड्यूस एवरीथिंग इन वेरी हाई क्वांटिटी, व्हिच इज रेफर्ड टू एज इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन. हो सकता है फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन्स प्रोड्यूस करने हैं, राइट? या मुझे किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट निकालने हैं. आई हैव टू यूज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, अ फंगस, अ प्लांट और अ एनिमल. किस किस जगह पर यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी? ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है डायग्नोस्टिक्स, थेरेपेटिक्स, एलिजा रिएक्शन थेरेपी, यूमुलिन बना दी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दिया, बीटी कॉटन बना दी, बीटी ब्रिंजल बना दी, प्रोसेस फूड, अलग अलग टाइप की चीज बना दी, बायो रिमीडिएशन, किसी मिट्टी में बहुत ज्यादा सॉल्ट है, सॉल्टी वाटर है, उसको निकाल दिया, राइट? सो दैट द सॉइल कैन बी यूज फॉर कल्टिवेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, जिसको मैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कहती हूँ, एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इट कुड बी बायोगैस और एनी अदर सस्टेनेबल form of energy. So for all these things and each one of them, we're going to be doing them in a lot of depth, are the ones which are usually the functions of biotechnology. Isram, Suhani, Tanushree, Shivani, understood? The organisms that have been manipulated genetically are called the genetically modified organism. Agar aisa koi bhi organism hai, bhai wo plant hai, wo animal hai, wo fungus hai, but aapne usko genetically modify kiya hai, genetically alter kiya hai, genetically manipulate kiya hai, that particular organism will be called a genetically modified organism. It could be plants, it could be animals, it could even be microbes.
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर पहले आते हैं, ये बायोफोर्टिफाइड होती है। दैट मींस अगर एक नॉर्मल क्रॉप के पास 0.05% विटामिन ए है, तो अगर आप गोल्डन राइस लोगे या कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लोगे तो उसके अंदर मच हायर क्वांटिटी होगी, जिसको हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। इट कंटेन्स एंड एक्सप्रेसेस वन और मोर यूजफुल और डिजायरेबल जीन। मैंने बना दिया फ्लावर सैवर टमाटर। नॉर्मल टमाटर की शेल्फ लाइफ होती है मान लीजिए 1 वीक। 1 वीक के बाद वो टमाटर आप नहीं खा सकते बिकॉज वो बहुत गुई हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने एक टमाटर बना दिया जिसका नाम है फ्लावर सैवर टमाटर, जिसके अंदर जो डिग्रेडेशन होता है, पेक्टिन का डिग्रेडेशन, वो वाली जीन नहीं है, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा हो गई। मैंने एक राइस बना दिया जिसका नाम दे दिया मैंने गोल्डन राइस। उस गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। मैंने एक स्पेशल चीज बना दी जिसको मैं बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंडल कहती हूं, जिसमें बैसिलस थुरीजेनेसिस डाल दिया, जिसकी वजह से कोई भी लेपिडोपटेरन या बटरफ्लाई फैमिली उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। ये सारे होंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनके पास डिजायर्ड या फॉरेन जीन्स हैं। Genes which are incorporated into an organism genome को trans genes कहते हैं। ऐसी genes जो मैंने transfer करी है दीपांशी किसी organism के अंदर, उनको हम trans genes कहते हैं। और ऐसे plants जिनके पास वो transfer वाली genes हैं, वो कहलाते हैं transgenic plants। What are they called? They are called the transgenic plants। Am I clear everybody? रौनक, am I clear? They are called the transgenic crops. हो सकते हैं बीटी कॉटन हो, बीटी ब्रिंजल हो, जी मेज हो, राइट, बहुत सारे होते हैं। अब अगर मुझे प्लांट के अंदर कोई जीन देनी है तो मैं एक बैक्टीरिया का यूज कर सकती हूँ। ये बैक्टीरिया एक वेक्टर की तरह फॉरेन जीन्स को लेकर जाकर उसके अंदर डाल देगा। ये बैक्टीरिया होगा एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जिसके पास एक प्लास्मिड होता है जिसको टीआई प्लास्मिड कहते हैं। टीआई प्लास्मिड की वजह से ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। बट ये टीआई प्लास्मिड जिसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड भी कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। सबसे मजे की बात यह है कि ये जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, इसके अंदर मैं ट्यूमर की जीन निकाल देती हूं, राइट? तो ट्यूमर नहीं कॉज होगा बट मेरा सारा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर से मान लो ये इसका पूरा डीएनए है और ये ट्यूमर वाला डीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग टी, तो इतना मैं टी डीएनए हटा दूंगी और बाकी एंटर करवा दूंगी। इट विल गेट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट, टोमेटो के अंदर चला जाएगा, टोबैको के अंदर चला जाएगा, सोयाबीन के अंदर चला जाएगा। सो एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सॉइल में पाया जाता है, नॉर्मल बैक्टीरिया है, ये वेक्टर के फॉर्म में दूसरों के अंदर जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके पास एक प्लास्मिड होता है जो ट्यूमर्स कॉज करता है। वो ट्यूमर कौन सा होता है? उस ट्यूमर का नाम होता है क्राउन एंड गॉल डिजीज। क्राउन एंड गॉल डिजीज नाम का ट्यूमर कॉज करता है, बट मैं ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटा देती हूं। व्हाट इज नॉट विजिबल शिवानी? डायग्राम पे टेंशन मत लो, व्हाट इज नॉट, यस एवरीबॉडी? तो मैं क्या करती हूं, मैं वो ट्यूमर वाली जीन को हटा दूंगी। समझ आ रहा है, राइट? और मैंने ये प्लांट के अंदर, अगर ये नॉर्मली जाएगा तो क्राउन एंड गॉल डिजीज कॉज करता है, जो मैंने आपको दिखा दिया। बट मैं इसको क्राउन एंड गॉल डिजीज कॉज करने नहीं देती हूं, क्योंकि मैं टीआई प्लास्मिड को रिमूव कर देती हूं, राइट? टीआई प्लास्मिड को रिमूव करके मैं उसको जस्ट एज अ वेक्टर कैरी करती हूं, डन। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, टीआई प्लास्मिड है। ये टीआई प्लास्मिड में ये रही ट्यूमर कॉजिंग जीन, तो ये जो ट्यूमर कॉजिंग जीन है इसी को मैंने बीच से कट कर दिया। ये जो टी डीएनए है, ट्यूमर कॉजिंग डीएनए है, इस टी डीएनए को मैंने बीच से कट कर दिया और इसमें डाल दी फॉरेन जीन। तो वो ट्यूमर वाली जीन क्या हो गई, इनएक्टिव। ट्यूमर वाली जीन क्या हो गई, ख्याति, इनएक्टिवेट हो गई। द प्लास्मिड इज रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरियम, टी डीएनए को कट कर दिया। टी डीएनए को कट किसने किया, टी डीएनए को मैंने कट कर दिया। किसने कट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, और बैक्टीरिया में डालकर मल्टीपल कॉपीज। अब ये जो फॉरेन जीन है ये किसी की भी हो सकती है,
जो भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैंने टीडीएनए को अलीशा जब कट कर दिया, तो क्या वो ट्यूमर कॉज कर पाएगा अलीशा? बिल्कुल नहीं. और उसकी जगह मैंने किसको डाल दिया? उसकी जगह मैंने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया. इज दैट क्लियर प्रिंसी? इज दैट क्लियर विश्वकर्मा? इज दैट क्लियर चिरंजीव? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आई हैव कट द ट्यूमर कॉजिंग जीन एंड आई हैव इंसर्टेड अ फॉरेन जीन व्हिच इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट. विद व्हाट डू यू कट द जीन? वी हैव टॉक्ड इन द लास्ट चैप्टर, वी कट द जीन विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस. नाउ लेट अस लुक एट द एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. First of all, genetic modification has made crops resistant to all of these are your NCRT lines. मैंने drought proof plant बना दिए, मतलब अगर सूखा पड़ेगा तो पौधे कम मिट्टी में चल सकते, कम पानी में चल सकते हैं, ज्यादा salt में चल सकते हैं, ज्यादा heat में चल सकते हैं, ज्यादा cold में चल सकते हैं, right? तो मैंने ऐसी genes डाली है plants में जिसकी वजह से अगर temperature 10 degree Celsius हो गया, 6 degree Celsius हो गया, 7, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया, तो भी प्लांट जो है वो सर्वाइव करेगा. द प्लांट हैज बिकम रेजिस्टेंट, इट हैज बिकम मोर टॉलरेंट, इट हैज बिकम रेजिस्टेंट टू कोल्ड, इट हैज बिकम रेजिस्टेंट टू सूखा, इट हैज बिकम रेजिस्टेंट टू सॉल्ट, इट हैज बिकम रेजिस्टेंट टू हीट, राइट? अब मैंने बायो पेस्टिसाइड्स वाले बना दिए हैं. That means मैंने Bacillus thuringiensis, जो कि butterfly family को toxic है, I repeat, मैंने Bacillus thuringiensis, जो कि butterfly family को toxic है, उसकी जीन निकाल कर डाल दी है, ताकि chemical pesticides मुझे कम use करने पड़े, because they are also expensive. मैंने ऐसा टमाटर बनाया जो 3 या 4 महीने तक खराब नहीं होगा, सो दैट आई कैन सेल माई क्रॉप, सो दैट द फार्मर कैन ट्रांसपोर्ट द क्रॉप. दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. कितनी बार आपने देखा है कि टमाटर ट्रक के ट्रक टमाटर्स जो है फार्मर्स हाईवे पे डाल देते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट द कॉस्ट. समवेयर दीज जेनेटिक ऑल्टरेशंस may in the future, we've not done so much research on it, or maybe, you know, we have all the crops are not GM, but bahut log, there's a part of the society jo GM crops ke against hai, that human beings should not hamper the way of nature. So post harvest loss mein kaun aayega? फ्लावर सावर टोमेटो, बिकॉज टोमेटो जो है उसको हमने शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा कर दिया है. इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज, ताकि यू एफिशिएंटली यूज कर सके, ऐसा ना करें कि पूरी सॉइल में मिनरल डेफिशिएंसी हो गई. एंड बायो फोर्टिफिकेशन, विटामिन ए इनरिच्ड राइस, राइट? ऐसे ही मैंने आयरन इनरिच सब्जियां बनाई हैं, कैल्शियम इनरिच सब्जियां बनाई हैं. सबसे पहले बात करते हैं पेस्ट रेजिस्ट. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड, बिकॉज अगर आपने ये प्लांट लगा दिया, अब आपको केमिकल्स तो डालने की जरूरत नहीं है. इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन. इसके अंदर है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस. बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस के पास एक क्राई जीन होती है. ये क्राई जीन इनएक्टिव होती है जब कोई लेपिडोपेट्रन फैमिली का कैटरपिलर आता है. वो कैटरपिलर आकर लीफ को खाता है, लीफ में होती है क्राई जीन. तो क्राई जीन जब इस कैटरपिलर के गट में जाती है, गट में वो अल्कलाइन पीएच से मिलती है, अल्कलाइन पीएच से मिलकर ये इनएक्टिव क्राइजीन हो जाती है एक्टिव. तो जैसे ही पत्ते को खाया कैटरपिलर ने, यस और नो? इनएक्टिव, जैसे ही पत्ते को खाया कैटरपिलर प्लस लीफ, गट के अल्कलाइन पीएच में क्राइजीन इनएक्टिव से हो गई एक्टिव. ये एक्टिव क्राइजीन कट के सेल्स में छेद कर देती है, सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है. होल्स इन गट सेल, जिसकी वजह से डेथ ऑफ कैटरपिलर हो जाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? यस.
और मैंने आपके लिए एक यहाँ पर छोटा सा माइंड मैप भी बना दिया है, ये है बैसिलस थ्योरी जेनेसिस। सेकेंड होता है एक नेमेटोड, इस नेमेटोड का नाम होता है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, दिखाई नहीं देता, इनकॉग्निटा, क्योंकि ये सॉइल में होकर रूट्स को इन्फेस्ट करता है, वो भी टोबैको प्लांट की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, लोग बहुत पैसा कमाते हैं जिसकी वजह से यील्ड कम होती है। आप उस टोबैको प्लांट के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस कर दोगे, दैट मींस ये रहा मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा का आरएनए, जो हमेशा होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, जिससे मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा आगे चल के बनाएगा अपने लिए प्रोटीन। आपने क्या किया, आपने इस टोबैको प्लांट के अंदर एक और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डाल दिया, आपने टोबैको प्लांट के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जाकर उस आरएनए के साथ मिल गया, विच इज कॉल्ड एज आरएनए साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से ये मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा इन्फेक्ट नहीं कर सकता। आरएनए इंटरफेरेंस ने इनहिबिट कर दी जीन की एक्टिविटी, क्योंकि एक सेंस स्ट्रैंड है आरएनए का और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है, तो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा आरएनए बनाता है, मैंने ब्लू कलर से बनाया। ह्यूमंस क्या करते हैं, टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरएनए ऑफ मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इंटेलिजेंट, तो दोनों आरएनए मिल जाते हैं, एक सेंस स्ट्रैंड है 3 to 5, एक एंटी सेंस है 5 to 3, और मिलकर आप जो है उसको फर्दर कोई काम करने से रोक लेते हो। यस, By the way, I hope आपकी physics chemistry की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। अगर physics chemistry की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही बेटा, we have a crash course for you. Please don't miss that. That is like my humble request to you. आप क्लास में पढ़ सकते हो, crash course अभी लॉन्च हुआ है, 60% ऑफ पे है। VD Pro कोड लगाओ और crash course में आ जाओ, right? It's available for just ₹4,000. इसी मंथ batches start हुए हैं, जिसमें आपको पूरी थियरी कराई जाएगी, लाइव लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, डाउट डिस्कशंस होंगे, नोट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स, सब कुछ, एमसीक्यू थ्योरी, सब टेस्ट होंगे, तो उसको बिल्कुल मत भूलो। अब इधर आ जाओ, तो देखो अब आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, ये रहा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, राइट? मान लो ये मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा ने बनाया, ये भी, तो यहां पे आपको दिख रहा आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया, क्योंकि एक ह्यूमंस ने डाल दिया और एक पहले से था, तो आरएनए साइलेंसिंग में एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, और पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक प्लांट, क्योंकि जब भी वो कोई प्रोटीन बनाने की कोशिश करता है, सामने से एक और आरएनए आके उसके आरएनए को बाइंड हो जाता है, फिर प्रोटीन बनाने की कोशिश करता है, फिर सामने से एक और आरएनए आके उसको बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता। सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्योरी जेनेसिस। बैसिलस थ्योरी जेनेसिस प्रोटीन बनाते हैं जो स्पेसिफिकली लेपिडोट्रिन फैमिली, जिसमें टोबैको का बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, जिसमें बटरफ्लाइज, मॉथ्स, फ्लाइज, मॉस्किटो, ये सब आते हैं। ये देखो लार्वा, और ये इतने वोरेशियस ईटर होते हैं कैटरपिलर, रातों रात पूरा पौधा खा लेते हैं। सो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है क्रिस्टल और टॉक्सिन, पर वो टॉक्सिन इनएक्टिव होती है, कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थ्योरीजेनेसिस, उस टॉक्सिन को आप कहते हो इनएक्टिव या प्रोटॉक्सिन। और बैक्टीरिया आपने कहां डाल दिया है, लीफ में, तो लीफ में बनकर तैयार हो गया है प्रोटॉक्सिन। अब ये कैटरपिलर आया, कैटरपिलर ने पत्ते को खाया, सो अल्कलाइन पीएच ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट ने इस क्रिस्टल को सोल्युबलाइज किया, अल्कलाइन पीएच ने, और इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को बना दिया हमने एक्टिव, जिसकी वजह से कट के सेल्स में हो गया छेद, वो बर्स्ट हो गए और कैटरपिलर की डेथ हो गई। These toxins do not harm bacteria, but जब इंसेक्ट
इनको डाइजेस्ट करता है, इंजेस्ट करता है, तो ये इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन पीएच से जाकर एक्टिव हो जाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से मैंने ये बीटी जीन्स को आइसोलेट किया और इनको क्रॉप प्लांट्स में डाल दिया, भले ही वो बीटी कॉटन हो, बीटी मेज हो या बीटी ब्रिंजल हो। यस और नो? अल्कलाइन गट से में ही वो इनएक्टिव से एक्टिव बनती हैं। तो होता क्या है बेटा, इंसेक्ट लार्वा आया, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज को खाया। देखो सबसे पहले मैंने बीटी जीन ली, बीटी जीन को मैंने किसमें डाल दिया, कॉर्न में, फॉरेन जीन को मेज में, कॉर्न में, जीनोम में डाल दिया। इंसेक्ट आया, पत्ता खाया, इंसेक्ट के गट में एक्टिवेशन हो गया, राइट, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द सेल हो गया, गट ल्यूमेन में सेल देखो फट गया, राइट, ये देखो सेल बर्स्ट हो गया और डेथ हो गई लार्वा की। लार्वा क्या है? कैटरपिलर, राइट। एक ही चीज में आपको तीन तीन चार चार बार बता चुकी हूं, राइट। एंडोटॉक्सिन होता है, कहां जाकर एक्टिवेट होता है, प्रोटॉक्सिन टू एक्टिवेट किस में होता है, गट में, और इस टॉक्सिन के रिसेप्टर कहां होते हैं, गट मेम्ब्रेन में। गट मेम्ब्रेन में क्या हो गया बेटा, दिख रहा है आपको, परफोरेशन, गट की पूरी मेम्ब्रेन परफोरेट हो गई, गट, तो इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इसकी इसकी क्या हो जाएगी, डेथ। ये इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन में जीन्स का नाम होता है क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, ये कॉटन बॉल वर्म्स के खिलाफ होते हैं। बीटी कॉर्न में जीन्स का नाम होता है क्राई वन ए बी, और ये कॉर्न बोरर के खिलाफ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक ही पेज पे चार एमसीक्यूज आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? दीज स्लाइड्स आर मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, इज दैट क्लियर? अब आ जाओ जीएमओ क्रॉप्स। हमने जो है ब्रासिका नेपोस में, ब्रासिका जिसको सरसों कहते हैं, उसके अंदर लीच की जीन डाल दी, हिरुडिन, हिरुडिन हमने लीच से लिया और ये सरसों के पौधे में डाल दिया। हिरुडिन एक एंटी कोगुलेंट है जो हम यूज कर सकते हैं, हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाई किया और एंटी कोगुलेंट के मेडिसिन की तरह यूज किया। तो हिरुडिन की जीन, राइट, हमने ब्रासिका में डाल दी, सीड्स में हिरुडिन था, उसको आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया और मेडिसिन की तरह यूज किया। इज दैट क्लियर? एंड ये प्योर एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट है बेटा स्लाइड्स, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आने वाला टमाटर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड था, वो था फ्लावर सेवर टोमेटो। इसमें हमने पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज एंजाइम की जीन को मॉडिफाई कर दिया। पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज जो है वो टमाटर की जो स्किन होती है, जो पेक्टिन होता है, उसको सॉल्युबलाइज करता था, जिसकी वजह से टमाटर जो है वो राइप होता था, टमाटर राइप होता था। यहां भी आपने आरएनए इंटरफेरेंस किया, अगर ये पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज का आरएनए है तो आपने पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज के आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड कर दिया, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बनी, नॉन अवेलेबिलिटी, क्योंकि पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज बनाने वाला जो आरएनए था, ये तो प्रोटीन है ना, एंजाइम है, इस आरएनए को आपने डबल स्ट्रैंडेड कर दिया। आया समझ में? यस। देखो ये रहा सेंस, सेंस आपने एंटीसेंस बना के दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, एंटीसेंस बना के कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन नहीं हुई। सो फ्लावर सेवर टोमेटो में आपने एंटीसेंस कर दिया, किसका, पॉली गैलेक्टो यूरिनेज। गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस है, राइजा सेटाइवा का, इट कंटेन्स बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ए। तो आपने बीटा कैरोटीन की जो जीन्स हैं वो डैफोडिल प्लांट से निकालकर राइस में डाल दी और वो राइस और राइजा सेटाइवा जो आपके लिए बीटा कैरोटीन बना सकता है, जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, वो आपने गोल्डन राइस बना दिया। क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में,
आप इम्प्रूव यील्ड कर सकते हो, राइट? क्योंकि प्लांट्स में पेस्ट नहीं लगेंगे, प्लांट्स की जो वल्नरेबल है क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्रॉट में जो मर जाएंगे, जो कोल्ड में मर जाएंगे, अब आप उनको एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं. न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, विटामिन ए बढ़ा दिया आपने, टेस्ट, टेक्सचर, अपेयरेंस बढ़ा दिया आपने, टोमेटो जो है वो जल्दी राइपन नहीं होगा, बायो पेस्टिसाइड्स की वजह से डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कम हो गया, एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स. सिंपल चैप्टर, यस और नो? वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. कैन आई टेक अ स्मॉल टेस्ट ऑन दिस चैप्टर टुमोरो? यस साई लक्ष्मी, ऑब्वियसली विटामिन ए राइस यूज फॉर माइंड ब्लाइंडनेस. एक छोटा सा टेस्ट लूंगी कल इस चैप्टर का और फिर आगे कंटिन्यू करूंगी. इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो सी यू same time, same place tomorrow. Take care. Bye guys. Easy peasy lemon squeezy. Pura revise karke aana. Done. Bye guys. Bye. Are wah! I'm very well and very well done for scoring full marks in your PTM, Gauri. I'm so proud of you. Take care. Bye guys.